ग्रेटर नोएडा में गाय के साथ किया दुष्कर्म, चार युवकों पर लगा दुष्कर्म का आरोप। घर के सामने किराए पर रहते थे चारों युवक, रात के समय गाय के साथ किया गया दुष्कर्म। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, गाय खून से लथपथ मिली। पुलिस ने गाय का मेडिकल कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। शिकायत करने के बाद एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ये पूरा मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुर कस्बे का बताया जा रहा है। उसमें जो है ना, ये रस्सी पैर से बांध रखी है और ये उसके रूम में से निकली है सबूत के कारण, और दूसरा उसके कपड़े जो है वो भी गोबर में सने हुए मिले, सारे सारे चप्पल उसकी सनी हुई है। तब हमने उसके दो चार चोटे मारे तो उन्हें कहने लगे हाँ मैंने करा, मेरे साथ में चार पांच लड़के हो रहे, और यहाँ आके वो मना कर रहा थोड़े में कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करो। अच्छा। और उसके गाय के फिर उसके इतना बड़ा खूंटा, मतलब लकड़ी है इतनी मोटी जो उसके उसके शरीर में दी गई है, गाय का शरीर भी इतना सूज के हो रहा। और हमें दो घंटे आए हुए हो गए, चौकी पैसे हमें थाने में भेज दिया, थाने में अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी गाय है उसके साथ में दुष्कर्म हुआ रात में, नाइट में। जो हमारा पशु है बुरी तरीके से बेकार हुआ पड़ा है, 5 महीने की ग्यावण है गाय, उसका पूरा शरीर सूजा पड़ा है। जो करने वाला है वो मकान सामने है, वो किराएदार भी है, उसमें मकान मालिक का रोल हो सकता है। तो कितने लोगों की आई? ये चार बंदे हैं जी, चार लोग हैं। तो आपने शिकायत दी है? जी जी, थाना सूरजपुर में शिकायत दी है, चौकी में भी शिकायत दी है। कितने बजे घटना है ये? रात की कम से कम 2:30 बजे के समथिंग की घटना है। हम सुबह में आए निहार करने पशु के चारा डालने, तो देखा है तो पशु तो बेकार हुआ पड़ा है पूरा, गोबर वोबर में सब चीज सनी हुई है, पूरे सबूत उसी के खिलाफ जा रहे हैं जितने भी है। नहीं माता जी, अब बताओ भैया, जब हम उसके कमरे में गए तो भैया पहले हमें ये रस्सी मिली उसके कमरे में, ये तो गाय की बंदी मिली, गंदी हो रही है, और ये उसके कमरे से मिली। अच्छा। हमने कहा, कहने लगा जी मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में रस्सी कहाँ से है। उसके हमने एक मारा भैया, कहने लगा अल्लाह कसम मैंने नहीं करा। कौन था वो? किराएदार जिसके मकान में रह रहा था, किराएदार था वो। कहने लगा अल्लाह कसम मुझे नहीं पता। क्या नाम था भैया? उसका नाम तो भूमेश्वर, ऐसी नाम बताया ना भूमेश्वर। वैसे अल्लाह अल्लाह कसम खड़ा, वैसे वो गोबर में सारी कपड़े उसके बाथरूम में गोबर में सने पड़े। कहाँ का मामला है ये? वही सूरजपुर का आदर्श कॉलोनी। हम भैया थाने में आए, सूरजपुर थाने में आए। कुल कितने लोग थे जिन्होंने? भैया चार पांच लोग, चार लोग थे। आपकी गाय थी? हाँ हमारी गाय थी भैया। ऐसा उसका शरीर हो रहा बुरा, गाय ऐसे कांपने मंड रही है, गाय का शरीर में। आज सुबह थाना सूरजपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक भुवनेश्वर शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो कि शराब के नशे में था, एक गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया है, जिसमें तत्काल आसपास के लोगों के द्वारा उसको पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस हिरासत में उसको ले लिया गया, अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।